विधानसभा चुनाव में युद्ध स्तर पर जारी प्रचार के बीच टीम योगी सोमवार को गोरखपुर की सड़कों पर जन समुद्र का नजारा दिखाने की तैयारी में है। इसका जरिया बनेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो। विपक्षी दलों के समीकरणों की मंशा को ध्वस्त करने की मंशा से होने वाले शक्ति प्रदर्शन के इस कार्यक्रम को लेकर रूट चार्ट बनाने से लेकर प्रबंधन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोड शो की शुरुआत सोमवार अपहन 3:30 बजे गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के टाउन हॉल से होगी और करीब 3.5 घंटे बाद इसका ठहराव विजय चौराहे पर होगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब तक जितने रोड शो किए हैं उनमें भारी जन समर्थन व उत्साह देखा गया है। बरेली, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ और अयोध्या के रोड शो में संगठन की ताकत के साथ ही सीएम योगी की लोकप्रियता भी खूब दिखी। सोमवार को गोरखपुर में होने वाले रोड शो को लेकर तैयारियां ऐसी हैं कि अब तक के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया जाए। पार्टी नेताओं का मानना है कि ऐसा संभव भी हो जाएगा। कारण है गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गृह क्षेत्र है। गोरखपुर में वह 1998 से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। अभी जिस गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहां संसदीय चुनाव के दौरान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 3 गुना अधिक वोट मिलते रहे हैं। सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अपने गृह क्षेत्र को तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही बहुत अधिक समय भी दिया है। इसके चलते सीएम बनने के बाद भी यहां की जनता से गहरा जुड़ाव पूर्ववत ही बना रहा है। यहां उल्लेखनीय है कि 2017 के चुनाव में प्रचार के आखिरी दौर में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने साझा रोड शो किया था। तब भी सड़कों पर मानव सागर जैसा दृश्य देखने को मिला था। यह भी माना जाता है कि उस रोड शो ने भाजपा के पक्ष में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डाला था। सोमवार को टाउन हॉल से अपहन 3:30 बजे से निकलने वाला सीएम योगी का रोड शो रेती चौक, नखास, बख्शीपुर, आर्यनगर होते हुए विजय चौराहे पर विसर्जित होगा।